बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो रिकॉर्डिंग के लिए कुछ नहीं है आपको वैसे, और ये टायर 4 लगा हुआ है अल्लाह करे कि अभी तक ख़त्म हो जाए ये वायरस, क्योंकि वैक्सीन शुरू हो चुकी है, वरना हम वीडियो नहीं बना सकेंगे। ये इस तरह रोड शूट बनाएंगे और आप लोग को दिखाएंगे। तो दुआ करो कि जितना जल्दी हो सके ये वायरस का सदबाब हो जाए और फिर हम निकल जाए कुछ दूसरे मुल्कों में और मज़े की वीडियो बना के आप लोग को दिखाएं। ये हम वैसे लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं, देखते हैं थोड़ा किस तरह बनता है। ये हमारा इस रोड को बोलते हैं A13। हाँ, ये सड़क पे मेंटेनेंस शुरू है। इधर ये है कि सड़क ख़राब हो जाए या कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो हुकूमत खुद ब खुद ही ठीक करती है, इधर कोई वजीर को नहीं कहना पड़ता। हमारे इलाके में तो सड़क ख़राब हो जाए तो हम वजीर के पीछे लगते हैं, वजीर पर मंजूर करता है तो फिर आने के लिए फिर उसको इंतज़ाम करते हैं। आधे से ज़्यादा पैसा तो उस पर खर्च हो जाता है, फिर जो है ना आधा पैसा जो रह जाता है उसमें उस ठेकेदार के लिए पैसा, फिर उसके लिए इंजीनियर के लिए पैसा, सारे जो है ना लोग जो है ना बस खाने के पीछे बैठे हुए हैं। तो और इन लोगों को ये नहीं है कि एक दिन ये लोग मरेंगे भी और उनका जो है ना कब्र में जाएंगे, हराम कमाते हैं। और इसकी शक्लें देखो, अस्तग़फ़िरुल्लाह, तो इंसान डर जाता है। हाँ जी, हम दूसरे रोड पर जा रहे हैं, जिस तरह छोटा सा गांव जिसको बोलते हैं, इस तरह है। स्पीड देखे आप, इधर 20 है, मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता चले। लेकिन इधर आपको देखिए, आपको सड़कों पे लोग बहुत कम नज़र आएंगे, उनकी उसकी वजह यह है कि इधर लोग जो है ना वैसे सड़कों पे नहीं निकलते, बस अपने काम से काम रखते हैं, घर में टीवी देखते हैं या आगे पीछे जो हो वो करते हैं। ये लोग इस तरह आदि हैं तो ये तंग नहीं होते, हम लोग तो आदि नहीं है इन चीज़ों के, तो हमारा तो। और ये C2C वाले हैं, इधर रेलवे स्टेशन है तो ये रेलवे वाले हैं। ये देखिए ऑटोमेटिक बैरियर लगे हुए हैं, अगर जब ट्रेन आना होती खुद ब खुद ही बंद हो जाते हैं, एक्सीडेंट नहीं होते। हमारे उधर तो अगर ये बैरियर बंद भी कर दे तो लोग मोटरसाइकिल घुसा देते हैं, फिर अगले दिन खबरों में आता है कि रेलगाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया और शेख रशीद को जो है ना इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन इधर ये नहीं है, इधर इस्तीफा का कोई बात नहीं है। ये घर बने हुए तकरीबन 100-150 साल पुराने हैं, हर जगह इन लोगों ने बनाई हुई है, हर जगह जो सिक्योर्ड है और वो है कंट्रोल्ड है। ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये सारे बैरक्स हैं, ये पहले जमाने में इधर वो हुआ करते थे। इधर ये सारी आर्मी रहा करती थी, क्योंकि इधर जो है ना वो नज़दीक वो है टेम्स हैं, तो इधर से अगर पहले ज़माने में तो ये हमले वगैरह ये दरिया के थ्रू होते थे, तो इस वजह से इधर आर्मी हुआ करती थी। लेकिन आजकल तो वो सिस्टम ख़त्म हो गया। अभी गाड़ी से मैं उतरे आप लोग को दिखाता हूँ इधर टेम्स। आज बारिश वगैरह ज़्यादा है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना ठंडा नहीं है जितना ठंड कल और परसों थी। हाँ जी, ये टेम्स है, रिवर टेम जिसको बोलते हैं, जो इधर से ये साउथ एंड से आए हैं दरिया से और अंदर लंदन के अंदर हैमरस्मिथ तक चला जाता है। हाँ जी, देखिए लोग वैसे निकले हुए हवाखोरी के लिए। इधर अभी 3:30 बजे हैं, इधर तारीखें जल्दी हो जाती है इन दिनों, 4:15 बजे मेरे ख्याल में, 4:20 पर
मगरिब की अजान होती है, पुरसकून माहौल है, लेकिन गर्मी में बड़ा मज़ा आता है। जो सामने आपको वो नज़र बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये सेंट्रल लंदन है। और लेफ्ट पे जब जाएंगे तो ये साउथ एंड आता है, इसमें जहाज आते हैं वो लंगर्स लगे हुए उधर। अल्लाह करे कि बस 5 मिनट और बारिश ना हो तो फिर मैं चला जाऊंगा। अगर बारिश शुरू होगी तो फिर मुझे भागना पड़ेगा। ये टेम्स के उस तरफ जो है ये विलेज, और विलेज है जिसको अगर पार करना हो तो आगे जाके उधर विलेज फेरी जाती है, उस पर गाड़ी में गाड़ी भी आप ले जा सकते हो। अगर वैसे जाना हो तो थोड़ा सा आगे जाके ब्लैक पॉल टनल है। ये लोग भी जो है टिक टॉक शिक टॉक बना रहे हैं अपने कुत्ते के साथ। जगह मजा आता है लेकिन गर्मी में। वो सामने जो पुल नजर आ रहा है वो क्वीन एलिजाबेथ ब्रिज है, मैंने उसमें एक ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया भी था। इसके आगे जो है वो कैंट एरिया है। मुल्क खूबसूरत है लेकिन बारिश ज्यादा है। छोड़ी छोड़ी की आवाज आ रही है। जो आप उधर निशान देख रहे हैं ऊपर, ये एसेक्स का है, ये काउंटी है एसेक्स जिसमें अभी हम हैं। तो नॉर्मली ये शुरू हो जाती है A406 के बाद, लेकिन M25 तक जो बहुत बड़ा सड़क है जो पूरे लंदन से इर्द गिर्द घूमता है उस तक ग्रेटर लंदन बोलते हैं। Perfect Heritage Center and Park. आगे बहुत बड़ा है। Okay, then मेरे ख्याल में आज के लिए इतने काफी है। Please like, subscribe, share, comments and press the bell icon for more updates. Allah हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।